दोस्तों भारत में चार क्रिकेट बोर्ड्स ने अब तक बड़े बोर्ड्स की मैं बात कर रहा हूं उन्होंने टीमों का ऐलान कर दिया है और इसमें से कौन सा तगड़ा है आप अपने राय जरूर बताएगा जैसे इंग्लैंड न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका और अब इंडिया इंडिया की टीम के अंदर एक चीज जो मैं पहले भी बोलता था कि एक चीज है जो उनके ऊपर स्ट्रगल करी जिसकी वजह से एक कॉम्बिनेशन का थोड़ा डिस्टर्ब रहा है वो उनका फास्ट बॉलिंग आप ये कह सकते हैं कि साउथ uh, यूएसए uh, में और वेस्ट uh, इंडीज के अंदर आपके मैचेस हैं ज्यादातर मैचेज जो हैं वेस्ट इंडीज में जो इंपॉर्टेंट मैचेस आपसे कह सकते हैं वहां पर सब कहते हैं कि स्पिन ट्रैक होगा स्पिन को ज्यादा uh, स्पोर्ट मिलती है इसलिए इंडिया ने चार स्पिनर्स उसमें डाले हैं तीन फास्ट बॉलर हैं चार स्पिनर एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर भी आपसे कह सकते हैं कि हार्दिक पांडे भी इसके अंदर शामिल है दो तीन मेन पॉइंट हैं। एक ये कि हार्दिक पांडे के ऊपर बहुत बो, बहुत से लोग क्वेश्चन उठा रहे थे ये इंडिया है इंडिया की पॉलिसी है कि आपका प्लेयर मेन प्लेयर अगर थोड़ा सा फिसलता भी है तो बोर्ड उसके साथ खड़ा होता है ये सीख है बाकी बोर्ड्स के लिए भी मैं काफी एक्सपर्ट्स देख रहा था सहवाग जैसे ने प्लेइंग लेवल में नहीं रखा था हार्दिक पांड्या को कि नहीं हार्दिक पांड्या डिजर्व नहीं करता मगर टीम इंडिया ने ना सिर्फ इसको रखा बल्कि वाइस कैप्टन भी रखा यह होता है कि आप पतली फॉर्म में हो तो बोर्ड आपके साथ खड़ा हो ताकि खिलाड़ी को रहता है कि यार मेरी गिरी भी फॉर्म तब भी बोर्ड मेरे साथ है मुझे निकाला नहीं जाएगा तब आप अच्छे परफॉर्म भी करते हैं यह एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है खासकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इससे सीखना है और दूसरी खास बात कि तीन फास्ट बॉलर हैं इसमें दो तीन नाम जो बहुत से चल रहे थे कि आवेश खान होना चाहिए मैं समझता हूँ मैनिक जादिव होने चाहिए वो भी नहीं है संदीप शर्मा के नाम चल रहा था बहुत से लोग वो भी नहीं है इसके अंदर और जो तीन फास्ट बॉलर हैं वो जसप्रीत बुमराह हैं जो ऑफकोर्स वो होंगे मोहम्मद सराज काफ़ी लोग नहीं कर रहे थे मैं कह रहा था कि होगा वो हैं और अर्शदीप सिंह जो कि डेथ ओवर अच्छे करते हैं टी के तो तीन फास्ट बॉलर हैं अगर किसी एक को भी इंजरी हो जाती है खुदाना खादा तो उनके लिए मसला रहेगा अगरचे उनके रिजर्व के अंदर अविश खान हैं उनके साथ बट फिर भी मुझे लगता है कि उनका फास्ट बॉलिंग थोड़ा सा वीक है एज कंपेयर टू इंडिया रेगुलर टीम जो इंडिया के पास होते हैं क्योंकि शामी इनके पास है नहीं मैंगादी को क्यों नहीं लिया वो जाहिर है उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि उनकी इंजरी का सिचुएशन ठीक नहीं है या वर्ल्ड कप के लिए रिस्क होगा एक नए लड़के को लेके जाना बाउंस बैक कर सकता है बला बला बट उनको नहीं लिया नहीं लिया उन्होंने फिट नहीं थे उनके पास तो जो बचे रहा उसमें से यही उनको चुना उन्होंने चुना लेकिन चार स्पिनर्स को लेके गए अक्सर पटेल है रविंद्रा जडेजा है चाहल है और कुलदीप शादी ये बड़ी खास बात है कि चार स्पिनर्स और ऑफ स्पिन की ऑप्शन नहीं है अगर उनके पास मगर चाइनामैन है लेग स्पिन है और लेफ्ट आर्म स्पिन है तो ये हर तरह के उनके पास है खासकर अक्षल पटेल बैटिंग तगड़ी करते हैं रविंद्र जडेजा हैं कंटेनर भी हैं विकेट टेकिंग ऑप्शन भी है कुलदीप जादे भी हैं तो तगड़ा स्पिन अटैक तो बहुत तगड़ा है इसमें कोई कोई दो राय है नहीं और आप इंडिया का स्पिन अटैक देखें और अफगानिस्तान का देखें ये दो तगड़े स्पिन अटैक होंगे आप देखिएगा मजेदार बनता है और टीम को देखें तो रिंकू सिंह नहीं है इनकी टीम में रैन पैराग नहीं है इनकी टीम में शुमन गिल नहीं है इनकी टीम में ये वो तीन बड़े नाम हैं मतलब पैराग शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे आईपीएल में बड़ा अच्छा खेले हैं ये किसी भी टीम में फिट इन होते हैं मगर इन की टीम के अंदर नहीं है यह खास बात है अब मैं आपको स्कॉट जाहिर आपको पता चल गया होगा बट मैं फिर भी जैसे रिपीट कर रहा हूं रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या नाइब, कप, नाइब कप्तान और जयसवाल को शामिल किया है विराट कोहली हैं सूर्य कुमार यादव ऋषभ पंत संजू सैमसन संजू सैमसन डिजर्व करते हैं हंड्रेड और मुझे यह लगता है कि इंडिया के कैप्टन परस्पेक्टिव भी हो सकते हैं छोटे फॉर्मेट के टी की मैं बात कर रहा हूं शिवम दुबे रविंद्रा जडेजा अक्षर पटेल कुलदीप जादिव चाहल लेक स्पिनर अशदीप सिंह जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज तो ये एक खास बात है इनके पूरे के पुरे स्क्वाड में मोहम्मद सराज को रखना ही था मैं पहले भी कह रहा हूं कि आप आई में पिटे देख रहे हैं मोहम्मद सराज को कि अच्छी विकेट्स नहीं ले रहे हैं बट जब ये भुमरा के साथ बॉल करेंगे आपको इंटायली डिफरेंट मोहम्मद सराज नजर आएंगे ये मैं आपको बता दूँ खैर ये कॉम्बिनेशन देखना है कि वो दो फास्ट वर्ग के साथ जाते हैं क्योंकि उनके पास हार्दिक पांड्या भी हैं उनको बहुत बड़ा एडवांटेज है हार्दिक पांड्या का मैं यही कहता था कि ये लोग गलत सोच रहे हैं अगर ये सोच रहे हैं कि हार्दिक पांड्या खेलेंगे या नहीं खेलेंगे क्योंकि इंडिया के पास इतना बड़ा एडवांटेज है हार्दिक पांड्या आप पूरे चार ओवर डाल सकते हैं जब उनके साथ बुमराह खड़ा होगा जब सैराज खड़ा होगा वो चार ओवर डालेगा वो नहीं एक दो ओवर डालेगा या बॉलिंग के बगैर नहीं जाएगा वो खेलेगा एज एन ऑलराउंडर खेलेगा और तगड़ा ऑलराउंडर बन के खेलेगा क्योंकि सपोर्ट मिलती है आपके साथ में दूसरे जो ठीक है मुंबई इंडिया में कप्तान भी नहीं है वो प्रेशर नहीं होगा उस तरह से तो ये एक खास चीज़ है टीम इंडिया के आ, मैं आपको साउथ अफ्रीका का भी बता देता हूँ दो आ, उसमें डेब्यूटेंट्स हैं मतलब दो खास बात है कि दो नई डाले हैं और वो कौन है जो उनके डोमेस्टिक में उन्होंने परफॉर्म किया है ये एक खास बात है क्योंकि डोमेस्टिक परफॉर्मर जो हैं उनको उन्होंने लिया है तो एक रिकल्टन जो बैटर है उन्होंने पांच 30 रन किए हैं एट एन एवरेज ऑफ 58 एट जो साउथ अफ्रीका ने लिए विकेट एक बल्लेबाज हैं अट्ठावन की औसत औस से उन्होंने रन किए हैं और बैटमैन जो हैं जो पहली दफा आएंगे उन्होंने भी 18 विकेट्स लिए जो उनका साउथ अफ्रीका टी ट्वेंटी -टौन, टूर्नामेंट डोमेस्टिक का होता है इसलिए इन दो को शामिल किया है आ, इनका एक आपको पता होगा कि इनका यह भी होता है कि इनको आ, अपने सारा कोटा सिस्टम पूरा करना होता है गोरे भी लेने हैं ब्लैक क्रिप्टर्स भी लेने हैं और मिक्स भी लेने हैं तो इनका एक ये है इनके ऊपर मजबूरी है ये वाली मगर फिर भी इनका स्क्वाड निस्बतन बहुत अच्छा है बट मैं मुझे लगता है कि इंग्लैंड का स्कॉड इनसे ज्यादा बेहतर है साउथ अफ्रीका से कॉन्टन टिकॉक है रिजा हेंड्रिक्स है एडन मार्करम जो कि कप्तान भी हैं और क्लासन बहुत तगड़ा आईपीएल खेले हैं डेविड दिवर, मिलर यहां तक तो धांसू बल्लेबाजी है ना यहां तक तो पांचों बल्लेबाज हैं डिकॉक देख लें हैंड्रिक्स देख लें मार्करम देख लें क्लासन देख लें डेविड मिलर देखें धांसू हैं और साथ में स्टर्ब्स इनके बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है वन डबल फाइव के करीब करीब है आईपीएल भी तगड़ा खेले हैं वो भी इनके साथ में है मैं बैट्समैन की बात कर रहा हूं अब मार्को जॉनसन 2023 का वर्ल्ड कप बहुत अच्छा रहा आईपीएल पी एल में मिल जाएगा सबके बॉलर सब बॉल्स को पटाई हुई है मगर ये भी अच्छे उनके बॉलर हैं और रबादा हैं इसमें तब्रेश अमसी चाइनामन स्पिनर हैं कैश महराज जो हैं वो इनके लेफ्टन स्पिनर हैं और फॉर्टून फॉर्टून जो हैं वो इनके स्पिनर शामिल हैं ये हैं और कोर्टजे उनके फास्ट बॉलर वो भी इसके अंदर शामिल हैं आईपीएल खेले हैं बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं जॉनसन भी ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं टी ट्वेंटी में जो ऑलराउंडर वाली ऑप्शन है ना वो बहुत तगड़ी होती है जॉनसन के पास तगड़ा ऑलराउंडर है इनके पास कोटजे तगड़ा ऑलराउंडर है और रबादा खेलेंगे

हैं और फोर्टीन है जो जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं बाकी इनके पास स्पिन की बहुत तगड़ी ऑप्शन रहती नहीं है मगर ये कैशम महराज और तब्रेश शमसीद दोनों के साथ जाते हैं और मुझे लगता है कि इस तरह से थोड़ा बेहतर अपना लेके चलेंगे वो दो स्पिनर हैं इनके पास ऑप्शन कुछ ज्यादा बचती नहीं है तो ये है दोस्तों साउथ अफ्रीका का स्क्वाड जो मुझे लगता है कि इंग्लैंड की नस्बत थोड़ा हल्का है और इंग्लैंड का इंडिया के मुकाबले में करें तो मजे का है स्क्वाड इंग्लैंड का भी बहुत मजे का है उनके पास भी स्पिन अच्छा है उनके पास अगर जो इंडिया जैसा स्पिनर अटैक अच्छा नहीं मगर उनका फास्ट बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है पावर हीटर्स भी उनकी अच्छी इंडिया की बैटिंग भी अच्छी है मगर अब तक जो स्क्ॉड अनाउंस हुआ है मुझे वेल बैलेंस लग रहा है न्यूजीलैंड का भी इंग्लैंड का भी और इंडिया का भी अगर अच्छा साउथ अफ्रीका भी तकली टीम है सब कुछ है बट सबका उन्नीस बीस का फर्क है कहीं पर आपको किसी का एडवांटेज मिलेगा लाइक इंडिया में आपको फास्ट बॉलिंग थोड़ी वीक मिलेगी इंग्लैंड का फास्ट बॉलिंग बहुत तगड़ा मिलेगा इंडिया का स्पिन अट्रैक आपको कहीं के उस जैसा नहीं मिलेगा और बाकी बैट्समैन इंडिया के बहुत तगड़े हैं मगर इंग्लैंड के भी आप सारे के सारे देखें स्ट्राइक रेट स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक रेट है और जो टीम बैलेंस हर तरह से न्यूजीलैंड में बहुत तो सबका मिला जुलो है सबके पास सब कुछ है और अब इंतजार है पाकिस्तान टीम का टीम किन शहीनों का जो कि मोस्ट प्रोडिक्टेड हैं एक दो चेंज होंगी बट वो भी जब अनाउंस होगा तो पता चलेगा तो ये दो सौ चार टीमें और आपके ख्याल में इनमें से मजबूत टीम कौन सी है अपने रेकमेंड के सपने एगा मैं तो सप्ताह के लिए इतना इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़